राजकीय प्राथमिक पाठशाला नघोग में आसे हिमाचली लोग फेसबुक पेज द्वारा विद्यार्थी मिलन नाम से एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जाने माने साहित्यकारों ने भी भाग लिया। इस समारोह में मुख्य अतिथि कांगड़ा के साहित्यकार एवं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शक्तिचंद राणा रहे। इस समारोह की अध्यक्ष खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सिहुंता अर्जुन सिंह ने की। समारोह में आए अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्कूल के बच्चों ने स्वागत किया। समारोह का आगाज मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन करके एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इसके बाद सलूनी किहार से पधारे कवि लेखक उत्तम ने मुन्ना मुन्नी सरकारी स्कूल पढ़ाने स्वरचित अपने गीत से समारोह का सुंदर आगाज किया। इसके बाद स्कूल के बच्चों द्वारा गरीब की बेटी नाटक का मंचन और नशे के खिलाफ सुंदर प्रस्तुति दी। कांगड़ा से पधारे तिलक राज कटोस ने पहाड़ी कविता वेचारी सास, अनिता भारतवाज ने बेटी पर गीत, सुदेश दीक्षित ने पहाड़ी कविता, अनुराधा ने भ्रूण हत्या पर गीत, प्रमोद कुमार हर्ष ने मंडी दा भियागड़ा गाया, प्रभात राणा ने किस्सा बुजुर्ग औरतदा, धनीराम संख्यान ने पहाड़ी गीत, विक्रम कौशल ने हिमाचल प्यारा कविता और शक्तिचंद राणा ने भी पहाड़ी कविताएं सुनाई। आसे हिमाचली लोक के संचालक प्रदीप कौंडल ने कहा कि हमारा उद्देश्य हिमाचली भाषा संस्कृति और हिमाचल की छुपी हुई कलाओं प्रतिभाओं को संवारने और सहजने का है, जिसके लिए हम लगभग 10 सालों से इस कार्य में लगे हुए हैं, जिसके लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए ताकि हिमाचली संस्कृति लुप्त होने से बच सके। इस दौरान उन्होंने स्कूल के लिए खेल किट तथा बच्चों को पाठन सामग्री भेंट की और बच्चों को फल भी वितरित किए तथा साहित्यकारों को भी स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। TLTV के लिए सलूनी से उत्तम सूर्यवंशी की रिपोर्ट।